अस्सलाम वालेकुम, हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने आई हूँ कि मेरे पास कुछ इस्लामाबाद से कपड़े आए थे जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये बच्चों के कपड़े हैं, मेरे पास तकरीबन 6 ड्रेसेस आए हैं ये स्टिच होने के लिए। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं मुझसे स्टिच करवाना या किस डिज़ाइनिंग के बारे में रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टा का अकाउंट है मरियम क्रिएटिव, वहाँ पर आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इट्स मी मरियम। जैसे कि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ तो यहाँ पर मैं एक ड्रेस ओपन कर दिखा रही हूँ। ये ऑर्गेन्जा पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बड़े ही खूबसूरत से बच्चों के ये ड्रेसेस मेरे पास स्टिच होने आए थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ ताकि किसी की हेल्प हो जाए। तो इस तरह के ड्रेसेस जो हैं बच्चों के लिए बड़े ही खूबसूरत लग रहे होते हैं ईद पर, या ईद के बाद ये कह लें कि वेडिंग सीजन सुरूज पर होता है, तो इस तरह के ड्रेसेस ना बच्चों के लिए हैवी होते हैं और बड़े प्रिटी सी जो है लुक दे रहे होते हैं। वेल, इसके कंप्लीट पार्ट्स मैंने आप लोग को दिखा दिए हैं, अब जो है मैं इसके फाइनल लुक आप लोग को स्टिच करने के बाद की दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने कैटलॉग देख ली है, ड्रेस की फाइनल लुक देख लीजिए। फ्रॉक बना हुआ है जिसके साथ हिजार बनाया था, इनके दुपट्टों पर जो है किरण खुद से लगी हुई थी, मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पर जो है मैंने गले पे इनकी डोरी अटैच करी थी जिससे बड़ी खूबसूरत सी लुक आ गई थी। एम्ब्रॉयडरी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ दी हुई थी। स्लीव्स के आगे भी इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ था। इसी के साथ मैं आप लोग को फ्रॉक का घेर भी दिखा देती हूँ जिसपे बहुत ही प्यारा एम्ब्रॉयडरी का बॉर्डर दिया हुआ था, जिसपे मैंने पिंक कलर की एडिशन करी है, मतलब पाइपिंग लगाई है स्लीव्स पर भी और इसके घेर पर भी। अब इसके ट्राउजर की बात कर लेते तो मैंने यहाँ पर हिजार स्टिच करा है जिससे और ज्यादा खूबसूरत सी लुक आ गई थी। बैग भी मैं आप लोग को दिखाते चलूँ, बिल्कुल प्लेन था, जस्ट मैंने यहाँ पर गले पे कट लगाकर लूप लगाया है ताकि गला जो है इजीली बच्चों को आ सके। तो इसी के बाद अब हम सेकंड ड्रेस की बात कर लेते हैं। ये अनस्टिच था जिसके मैं पार्ट्स दिखा रही हूँ और इसकी फाइनल लुक जो है मैं आप लोग को स्टिच करने के बाद की दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक कैटलॉग के साथ। इसका जो है ग्रीन कलर का दुपट्टा दिया हुआ था जिसपे जो है किरण लगी हुई थी, अच्छा एम्ब्रॉयडरी बहुत ही प्यारी हुई हुई थी और स्लीव्स पर भी इसी तरीके से बॉर्डर बना हुआ था। पीछे जो है मैंने एक बटन लगा दिया था, बाकी जो है इसका घेर भी आप लोग देख लीजिए, अलग अलग पार्ट्स से बस इनको ज्वाइन करना था। मैंने इसमें जो है गोल्डन की एडिशन करी थी यानी कि पाइपिंग लगा दी थी और इसके साथ जो है मैंने वही सिंपल हिजार सिया था। थर्ड ड्रेस की भी फाइनल लुक मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। इस तरह से मैं आप लोग को सारे कंप्लीट 6 ड्रेसेस दिखाऊंगी पूरे स्टिच हुए हुए। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं इस तरह के ड्रेसेस स्टिच करवाना है या डिजाइनिंग के बारे में आइडियाज लेना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टा पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपने इंस्टा का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो शेयर करने का मेन रीज़न यही था कि जो माएँ अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही होती हैं कि किस तरह के उनके ड्रेसेस बनाएं, तो ये उनके लिए बेस्ट आइडिया है जो मैंने आज आप लोग के साथ शेयर किया है। इस तरह के आप लोग भी बच्चों के ड्रेसेस ले सकते हैं और इजीली स्टिच कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करी। उम्मीद करती हूँ वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक एंड शेयर जरूर करें और जो मेरे चैनल पर न्यू आए वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।